हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। ये एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमसे जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं जी। तो पीपीएफ का मतलब क्या है? पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यह एक लॉन्ग टर्म सेविंग कम इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है। क्या है? एक लॉन्ग टर्म स्कीम होती है। ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है। इस पर हमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और ये गवर्नमेंट स्कीम है, लो रिस्क स्कीम है। व्हिच एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन पीपीएफ? पीपीएफ में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो एनी इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन क्या कर सकता है, पीपीएफ में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। बट ओनली वन पीपीएफ अकाउंट पर पर्सन अलाउ। एक इंसान एक ही अकाउंट ओपन करवा सकता है। अब अगर आपको एक से अधिक अकाउंट ओपन करवाने हैं तो अपने घर के फैमिली मेंबर के नाम पर ओपन कर सकते हैं, बट आप अपने ही नाम पर एक से अधिक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और एनआरआई और एचयूएफ भी एलिजिबल नहीं है पीपीएफ के लिए। कौन? एनआरआई और एचयूएफ भी पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। बट मान लो कि किसी एनआरआई नहीं था पहले, वो रेजिडेंट था, तब उसने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था तो वो उसको रख सकता है पीपीएफ अकाउंट को। बाद में एनआरआई बन गया था, में कोई दिक्कत नहीं। बट एनआरआई बनने के बाद आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट, तो वो ओपन नहीं कर सकते। हाउ टू ओपन ए पीपीएफ अकाउंट? कैसे करें ओपन पीपीएफ अकाउंट? तो हमें अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। हाँ, जाएंगे हम अपने पोस्ट ऑफिस और बैंक पर, वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे अकाउंट ओपनिंग का, पीपीएफ अकाउंट का, उसे फिलअप करेंगे। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ, आपका नॉमिनी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, उसमें आपकी फोटो लगेगी, ये सारी चीज फिलअप करके हम क्या कर देंगे, फॉर्म को सबमिट कर देंगे और जो इनिशियल अमाउंट है उसकी भी पेमेंट कर देंगे। तो बैंक या पोस्ट ऑफिस उसको फॉर्म को चेक करेंगे और हमें पीपीएफ अकाउंट का नंबर दे देंगे। इंटरेस्ट रेट कितना है फिलहाल में पीपीएफ पर? फिलहाल में 7.1% पर एनम का इंटरेस्ट है, जो कंपाउंड होता है एनुअली। क्या होता है? एनुअली कंपाउंड होता है। और इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री सेट द इंटरेस्ट रेट एवरी ईयर। हर साल क्या होता है? रेट रिवाइज होता है। कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और इंटरेस्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पर किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, तो उसकी बात करते हैं। तो लोएस्ट पीपीएफ बैलेंस इन द अकाउंट आफ्टर द 5th ऑफ एवरी मंथ टू द लास्ट डे ऑफ मंथ, मतलब इंटरेस्ट किस अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाएगा? 5 तारीख के बाद, तो और महीने का लास्ट दिन 5 तारीख से मान लो 30 या 31 तारीख तक के बीच में हमारा जो मिनिमम बैलेंस होगा उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। क्या? 5 तारीख के बाद और महीने के एंड से पहले उसके बीच में जो मिनिमम बैलेंस है उस पर पीपीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए। और ये कैलकुलेट तो होगा बट फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए एडवाइजेबल है आप सभी को कि अगर आप में पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 5 तारीख से पहले करें, क्योंकि 5 तारीख के बाद का बैलेंस लिया जाएगा जो लो होगा किसी भी दिन। 5 तारीख से पहले कर देंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि 5 तारीख के बाद करेंगे आप तो आपका जो लो अमाउंट था वो कैलकुलेट, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो जो इस महीने इन्वेस्ट किया है 5 तारीख के बाद, उसको 1 महीने का इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। इसलिए आपको 5 तारीख से पहले पहले ही क्या कर देना है, इन्वेस्ट कर देना। इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है?
मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें करना है ₹500 का तो करना ही करना पड़ेगा मिनिमम, और मैक्सिमम हम कर सकते हैं 1,50,000 रुपये तक ईच फाइनेंशियल ईयर। अब इन्वेस्टमेंट या तो हम लमसम भी कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, बट 1 साल में मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट ही अलाउड होगी हम। अब इन्वेस्टमेंट कैश में भी कर सकते हैं हम, चेक से भी कर सकते हैं, डीडी के थ्रू भी, या और कोई ऑनलाइन मोड में भी NEFT RTGS UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। टेन्योर कितना होगा? PPF अकाउंट हम ओपन करवाते हैं तो मिनिमम हमें कितने साल तक रखना होगा? 15 साल, 15 साल तक रखना ही रखना है हमें। बट अगर हम चाहते हैं कि और बढ़ा दें इसको, टाइम लिमिट को 20 साल तक रखना है हमें या 25 साल तक रखना है, 23 साल तक रखना है हम ये चाहते हैं, तो 15 साल के बाद हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट एक्सटेंड होगा हमारा ये ब्लॉक्स ऑफ 5 ईयर। जैसे हम चाहते हैं कि 3 साल बढ़े, बट 3 साल नहीं बढ़ेगा, 5 साल हमें बढ़वाना पड़ेगा। ब्लॉक्स ऑफ 5 ईयर्स में क्या होगा, ये बढ़े 15, जैसे 20, 25, 30 साल से आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते। टैक्स बेनिफिट क्या मिलेगा PPF पे? तो ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, मतलब जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी हम एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C में, जिस साल इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी एग्जेम्प्ट जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो भी क्या हो गया हमारा, एग्जेम्प्ट हो गया। और जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा, अक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलेगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स बेनिफिट हो गया हमें एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। अगर आप PPF के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी ले सकते हैं, बट लोन हमें कब मिलेगा? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 1 साल बीत गया उसके बाद, बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, बट 5 ईयर एक्सपायर होने से पहले। तो 1 साल और 5 साल देखना हमें कब से देखना है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनिशियल सब्सक्रिप्शन वाज मेड, जिसमें हमने इनिशियल सब्सक्रिप्शन किया है उसके बाद से देखना। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। इफ द PPF अकाउंट ओपन January 1, 2022 को हमने PPF अकाउंट ओपन किया, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 21-22 में हमने ओपन किया, ठीक है, जो 21 मार्च 2022 को क्लोज हो गया हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। द लोन कैन बी टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, ठीक है, 1 साल बाद, जो फर्स्ट ईयर में हमने सब्सक्रिप्शन किया उसके 1 साल बाद। तो 1 साल क्या होगा हमारा, 22-23, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लोन के लिए एलिजिबल हो गए 23-24 से, और बट 5 ईयर्स तक एंड नहीं होने चाहिए, तो कब तक, 27-28 हम लोन ले सकते हैं 31 मार्च 2023 के बाद से, बट अप टू 31 मार्च 2028। यू कैन टेक ए लोन अगेंस्ट योर PPF अकाउंट बिटवीन 3rd एंड 6th ईयर, सिंपल बोले तो 3rd साल से 6th साल तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे PPF अकाउंट के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। बट मैक्सिमम टेन्योर क्या होगा, अगर कोई भी लोन लेते हैं तो उसका 3 साल के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा 36 महीने का। और लोन का मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा हमें, 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल अमाउंट, जो हमारे PPF में बैलेंस होगा उसका हमें 25% भी क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। जैसे 1 लाख रुपए का बैलेंस है हमारे PPF अकाउंट में, तो हम 25,000 रुपए तक का लोन करवा सकते हैं, और हमें 3 साल के अंदर वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और हम और ये भी देखना है कि 3rd से 6th साल के बीच में ये लोन हो पाएगा, 3 साल के अंदर पे करना है, और मैक्सिमम कितना होगा, 25% तो टोटल अवेलेबल हो। और हम चाहते हैं कि सेकंड लोन करवाएं तो हमें पहले लोन को पहले रीपे करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, सेकंड लोन करवा सकते हैं। और वो टाइम लिमिट भी ध्यान रखनी है हमें, 3 से 6 साल के बीच में ही लोन हो सकता है। प्रोसीजर फॉर विड्रॉवल फ्रॉम PPF में से हम विड्रॉ करना चाहते हैं अमाउंट पार्शियली या कंप्लीटली, विड्रॉ करना चाहते हैं या तो पूरा का पूरा या पार्शियल अमाउंट।
हमें कौन सा फॉर्म फिलअप करना होता है? फॉर्म सी, कौन सा फॉर्म सी फाइल करना होता है, और ये हमारे बैंक या पोस्ट ऑफिस को हम सबमिट कर देंगे फॉर्म सी। तो पार्शियल विड्रॉवल हम कब कर सकते हैं? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर, 5 साल बीत गए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? पार्शियल विड्रॉवल कर सकते, और ओनली वन पार्शियल विड्रॉवल इज अलाउड पर फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही हम पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं, और कितना पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं? अप टू 50% ऑफ टोटल अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। तो 50% है टोटल अमाउंट का, उतना ही हम क्या कर सकते हैं? पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। और 50% भी हमें कौन से अकाउंट बैलेंस का लेना है? जो एंड ऑफ द फोर्थ ईयर में हमारा जो बैलेंस था, अकाउंट ओपन किया उससे 4 साल बाद में जो बैलेंस था उसके 50% का ही हम पार्शियल विड्रॉवल कर सकते। अब क्या बात करते हैं हम, हाउ टू क्लेम पीपीएफ इन केस ऑफ डेथ ऑफ पीपीएफ अकाउंट होल्डर। अगर कोई पीपीएफ अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो गई, अब हम चाहते हैं कि उसके नॉमिनी को, इसके घर वाले को पैसा मिल जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्म जी फाइल करना पड़ेगा। एक तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्म जी फाइल करना पड़ेगा, और उसके साथ हमें अटैच करना पड़ेगा डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, पीपीएफ पासबुक, लेटर ऑफ इंडेमनिटी एंड एफिडेविट। ये सारे डॉक्यूमेंट हमें अटैच करके बैंक और पोस्ट ऑफिस को सबमिट कर। सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपका बैलेंस क्या है 1 लाख रुपए से कम। तो 1 लाख रुपए से कम के बैलेंस के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। अब लीगल हेयर क्लेम कर सकता है ये पीपीएफ अकाउंट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी नॉमिनी। नॉमिनी के प्रेजेंस कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट है, तो फैमिली मेंबर या लीगल हेयर और कोई भी जाकर ये विड्रॉ कर सकता है फॉर्म जी के साथ, डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, पीपीएफ पासबुक, लेटर ऑफ इंडेमनिटी और एफिडेविट। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।